नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर नगर निगम प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा आम लोगों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला वित्तीय प्रभार नहीं मिलने के कारण नगर निगम में चल रहे विकास योजनाओं के अटकने का है। दरअसल एक माह से ज्यादा समय पहले भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त का तबादला हो चुका है और इस बीच सत्येंद्र वर्मा को प्रभारी नगर आयुक्त बनाया गया है और जो प्रभारी नगर आयुक्त है उन्हें अब तक विभाग से वित्तीय प्रभार नहीं मिल सका है, लिहाजा वित्तीय मामलों से जुड़ा एक भी कार्य नहीं हो पा रहा है। अब तो डीजल देने वाली एजेंसी ने भी उधार देना बंद कर दिया। करीब 20 लाख रुपए डीजल एजेंसी के पास नगर निगम का बैकलॉग हो गया है। वह राशि देने के बाद ही डीजल मिलेगा। इसको लेकर शहर का कचरा उठाने वाली गाड़ी कंपैक्टर और हाईवा को चालकों ने नगर निगम परिसर में लगा दिया है। डीजल नहीं मिलने के कारण कचरा उठाने वाली गाड़ियां बंद है। शहर में कचरे का ढेर लगना शुरू हो गया है। इस बाबत जब प्रभारी नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक माह की राशि नहीं देने के कारण डीजल देना बंद कर दिया गया है। हमारे पास तो वित्तीय अधिकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। पेट्रोल पंप जिससे हम लोग वैभव फ्यूल से लेते थे, उन्होंने एक माह जनवरी का हम लोग का चूंकि फाइनेंशियल पावर नहीं रहने के कारण हम लोग उसको पेमेंट नहीं कर पाए हैं। उस कारण से वो देने से इनकार कर रहे हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के भरको गांव स्थित दुर्गा मंदिर के समीप खड़ी बाइक में एक बालू लदी ट्रैक्टर ने धक्का मार दिया। घटना में बाइक चालक बाल बाल बच गए लेकिन बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मेरी जानकारी के अनुसार भरको गांव निवासी सुमन कुमार है। सुमन अपनी ग्लैमर बाइक पर सवार होकर भरको बाजार गया था, जहाँ से खाद खरीद कर वापस अपने घर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बालू लदी ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर बाइक में धक्का मार दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घटना की सूचना अमरपुर थाने में दिया। सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय, अवर निरीक्षक रामाश्रय प्रसाद पुलिस बलों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर बालू लदी ट्रैक्टर को जब्त करते हुए थाना परिसर लाया। वहीं मौके से ट्रैक्टर चालक फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं सरपंच राकेश शाह ने बताया, बालू माफियाओं को ना तो पुलिस का भय है ना ही किसी अधिकारियों का। बालू माफिया बालू ट्रैक्टर पर लेकर बेखौफ होकर आते जाते हैं। भागलपुर के स्टेशन परिसर पर शुभम डिलक शौचालय में कार्य कर रहे सफाईकर्मी विश्वकर्मा हरि देर रात अचानक पैर फिसल जाने से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल सफाई कर्मचारी को इलाज के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान विश्वकर्मा हरि की मौत हो गई। इसके बाद सफाई कर्मचारी के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सबके साथ स्टेशन परिसर इसे शुभम डिलक शौचालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बाद में शौचालय के प्रोप्राइटर संतोष झा के द्वारा 3,000 रुपए नगद देकर और मुआवजा दिए जाने की बात कहकर हंगामा शांत कराया गया। मृतक विश्वकर्मा हरि गुरहट्टा चौक स्थित जारलाही का रहने वाला है। बांका जिले के अमरपुर शहर के बस स्टैंड पर स्थित 3 दुकानों को एक बालू लदी ट्रक ने रौंद दिया। घटना में बस स्टैंड के समीप स्थित राजहंस मिष्ठान भंडार, संतोष जनरल स्टोर, पांचू बेल्डिंग की दुकान एवं विनोद भगत की एक ऑटो को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय पुलिस बलों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर ट्रक को जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया। वहीं मौके से ट्रक चालक मुजफ्फरपुर निवासी अवधेश कुमार व खलासी अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को लेकर राजहंस मिष्ठान भंडार के प्रोप्राइटर सुरेंद्र शाह ने बताया कि हम लोग अपने अपने दुकानों में बैठे थे कि तभी अचानक बालू लदी ट्रक गुमटी को तोड़ते हुए दुकान में घुस गए। हम लोग अपने अपने दुकानों से बाहर की ओर दौड़ दौड़ कर अपनी जान बचाए। घटना में लाखों रुपए की सामान नुकसान हो गए हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण एजेंसी के द्वारा बस स्टैंड पर पुल निर्माण कार्य किया जा रहा है। वाहनों के आवागमन के लिए डायवर्सन बनाया गया है लेकिन सड़क किनारे लगे विशाल वृक्ष को नहीं काटा गया, जिस कारण निरंतर दुर्घटना घटित होने की आशंका बनी रहती है। कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। फिलहाल पीड़ित दुकानदारों ने थाने में लिखित आवेदन देकर क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।